हाँ तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सेंटर मारना। ये देख रहे हैं शाफ्ट में एक सेंटर है, इसको किस तरह मारा जाता है आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पास शाफ्ट है, एक मशीन में बांधा हुआ है, उसको सेंटर निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस जगह में सेंटर बनाएंगे हम लोग, वो भी ड्रिल से। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरे साइड भी सेंटर है, इसका ऑपोजिट साइड भी सेंटर है दोस्तों। देखिए दोनों साइड हम सेंटर में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मशीन में शाफ्ट देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे सेंटर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रेस करेंगे, मशीन में बंधा हुआ है, अब पीछे साइड भी आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया टूल, टूल से हम पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद ड्रिल मारेंगे। तो ये दूसरे साइड देख लीजिए, इधर फाइनल हो गया है, इधर सेंटर मारा गया है। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर हो गया है आपका, और ये सेंटर मार के कंप्लीट करके और ये प्रेस किए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ताकि दोबारा बांधने में आसान हो और सीधा करने में आसान हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं मशीन की तरफ, मशीन चालू कर दिए दोस्तों। अब देखिए इसको हम प्रेस कर रहे हैं, बढ़िया से प्रेस करेंगे, उसके बाद सेंटर मारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे वीडियो के नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, मशीन स्लो में चलाएं क्योंकि आपको पूरी तरह समझ में आए, इसलिए हम धीरे धीरे करके हम प्रेस कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए। देखिए दोस्तों, बढ़िया से ये देखिए प्रेस हो रहा है, इसके बाद आपको कंप्लीट प्रेस दिखाएंगे। ये हार्ड है दोस्तों, हार्ड मटेरियल है, इसीलिए थोड़ा कि सीधा होने में दोबारा आसान हो। ठीक है दोस्तों, देखिए हम ओडी काट रहे हैं, कम से कम 60 से 70 एमएम लेंथ तक काटेंगे इसको, ताकि 20-30 एमएम हम बांधेंगे ड्रिल चौक में, उसके बाद सीधा करने में आसान होगा, कोई आउट नहीं मारेगा, इसलिए हम पर छील रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इधर, देखिए दोस्तों ये हो गया, हम प्रेस कर दिए हैं ओडी, और ताकि हम सेंटर आउट ना हो, इसलिए यहाँ पे हम जब बांधेंगे और यहाँ हम सीधा करने के लिए यहाँ प्रेस कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ड्रिल चौक के तरफ देखते हैं, ये हमारा ड्रिल चौक हो गया है, देखिए इससे हम सेंटर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रिवॉल्विंग सेंटर के जगह में इसको लगाएंगे हम, फिट करेंगे, और देख लीजिए ये हो गया हमारा सेंटर ड्रिल,
इससे हम सेंटर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये 10 mm आसपास है सेंटर ड्रिल। और सबसे पहले आपके पास एक की होना चाहिए इसको लॉक करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा पास एक चाबी है इसको टाइट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वहाँ हम चाबी से टाइट कर देंगे ताकि ये अंदर ना जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको रिवॉल्विंग सेंटर में हम बांध देते हैं ड्रिल चॉक को। ये हो गया सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर यहाँ पे हम खस देते हैं थोड़ा जोर लगा के। हाँ, और हम इस तरह पीट कर देंगे। अब इसका की के मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह टाइट कर देंगे और सेंटर को हम आगे की तरफ ठेलते हैं। ठीक है दोस्तों, सामने की तरफ ठेलेंगे। इसको हम टाइट कर देंगे बोल्ट के माध्यम। ठीक है दोस्तों, इसको हम बढ़िया से टाइट कर देंगे ताकि ये ड्रिल मारते समय पीछे ना हो, इसलिए यहाँ जाम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हार्ड है इसलिए धीरे धीरे खा रहे। चलिए हम इसको बार करके देखते हैं, कम से कम 12 से 15 एम एम तक आप ड्रिल मार। ठीक है, देखिए तो अब ये हो चुका है और हम बंद करके देखते हैं। देखिए हम जूम करके दिखाएंगे।